497 कर दो चलो। सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल आर सेफ फ्रॉम दिस कोरोना वायरस। सब अपने सैनिटाइजर्स और मास्क यूज़ कर रहे होंगे आई होप, अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो भाई, कि कोरोना अपने को अभी छोड़ के जाने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। रोज़ के रोज़ इतने सारे केसेस एंड ऑल, सो कीपिंग दिस असाइड लेट्स डिस्कस कि आज मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि आप पेट्रोल फ्रॉड से कैसे बचें, बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है कि काफ़ी बार क्या होता है ना कि आप जब पेट्रोल भराने जाते हो ना तो कम पेट्रोल दे देता है कोई, आपके साथ पेट्रोल डालने में मीटर में कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो उस चक्कर में लॉस अपने को होता है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है ना कि जब अगर आप 2000 रुपए का पेट्रोल ले रहे हो या अगर मानो कि 500 रुपए का ही ले रहे हो, तो जब 500 की नोट देते हो आप उनको, तो वो क्या करते हैं कि ले जाएंगे और बोलते हैं कि हाँ रुको मैं आपके पास आया। अगर आपने सोचा कि 400 रुपए का पेट्रोल दिया और आपने 500 की नोट दी, तो वो बोलेगा कि मैं चेंज लेकर आता हूँ। तो वो क्या करेंगे कि आप नोट लेकर जाएंगे अंदर और वापस नोट लेकर आएंगे और बोलेंगे आपकी नोट डुप्लीकेट है। ऐसा सेम चीज़ मेरे साथ हुआ है जब मैं महाराष्ट्र घूमने गया था। लुक, मैं किसी को गलत वे में टारगेट करना नहीं चाहता, बस अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। सो वो ऐसा करते हैं कि वो अंदर आपकी नोट लेकर जाएंगे एंड वापस आके बोलेंगे कि आपकी नोट डुप्लीकेट है। तो आप सोचते हो कि भाई ऐसा तो क्या ही हो गया, और आपको लगता है कि शायद चलो मेरे से गलती हो गई होगी, आ गई होगी मेरे पास कहीं से, बट वो क्या करते हैं वहाँ पर आपकी नोट स्वैप कर देते हैं। सो मेरा सजेशन ये है आपसे कि कभी भी आप जब भी जाओ, अगर आपके ऐसे नोट दे रहे हो आप, चाहे 2000 के हो चाहे 500 के हो चाहे जो मर्जी नोट दे रहे हो, वो नोट का नंबर नोट कर लीजिए, पीछे के 3 आंकड़े या 4 आंकड़े, जैसे कि आपको पता चले कि हाँ ये नोट मेरी नहीं है। सो जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको पता चल जाए कि भाई इन्होंने नोट स्वैप की है। और चलो पेट्रोल भरवाते हैं, मैं आपसे पेट्रोल भरवाते भरवाते बात करता हूँ कि पेट्रोल कैसे भरवाना चाहिए। सो जैसे कि मैं आया हूँ, मेरे आगे एक पेट्रोल भर रहा है, तो ये नोज़ल से लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नोज़ल भी बहुत मैटर कर जाती है कभी कभी। मैं आपको बताता हूँ आगे के वीडियो में कि नोजल्स में इन लोग कैसे खेल करते हैं। और जब भी आप पेट्रोल भरवाएं ना, तो कभी भी राउंड फिगर में पेट्रोल मत भरवाइए, जैसे कि हो गया आप 300 का, 400 का, 500 का, कभी भी राउंड फिगर में पेट्रोल मत भरवाइए, हमेशा ऑड नंबर सिलेक्ट करिए, एनी ऑड नंबर पॉसिबल, कि चाहे आपको 300 का भरवाना है तो 299 का भरवाइए, 270 का भरवाइए, 310 का भरवाइए, उस तरीके से ऑड नंबर सिलेक्ट करिए। ताकि उससे होता क्या है ना कि ये सारी मशीनें हो चुकी हैं अब कंप्यूटराइज्ड और चिपसेट्स लगते हैं, ये मशीन से हो सकती है हैक, और इन लोग क्या करते हैं ना कि काफ़ी बार इसमें से कर देते हैं। चार सौ सत्तर कर दो चलो। हाँ, इन्होंने तो चलो कुछ बोला नहीं, इन्होंने तो कर दिया, बट काफ़ी लोग है ना मना कर देते अगर ऐसे ऑड नंबर पे आप बोलते हो कि ये भर दो मुझे। तो हमेशा जीरो कंफर्म करिए। पेटीएम चल से ना, पेटीएम के गूगल पे बनने। सो गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप कभी भी जब भी पेट्रोल भरवाइए ना,
तो ऑड नंबर सिलेक्ट करिए। इससे होता क्या है पता है कि आप अगर जब भी राउंड फिगर करवाते हो ना, तो राउंड फिगर में उन लोग है ना झोल कर सकते हैं, क्योंकि चिपसेट है ना हमेशा 100 रुपये। हम लोग क्या करते हैं इन जनरल के 100 रुपये का भर दो, 200 का भर दो, 300 का भर दो, 2000 का भर दो, उस तरीके से भरवा लेते हैं पेट्रोल, तो उसमें झोल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि नोज़ल का क्या फ़र्क पड़ता है, तो नोज़ल में क्या होता है ना कि जैसे कि उसमें आता है 800 से लेके 1 लीटर तक का पेट्रोल उसमें आ जाता है सिर्फ नोज़ल में। आपने नोटिस किया होगा कि नोज़ल हमेशा है ना ऊपर से आती है मशीन के, सो इन लोग नोज़ल खाली कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब भी आप जाओगे भरवाने पेट्रोल, तो मशीन तो स्टार्ट हो जाएगी बट वो नोज़ल से पेट्रोल आते 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 आपको समझ लो कि मतलब हो गया आपका खेल। अगर आपने 100 रुपये का भरवाया है और 1 लीटर पेट्रोल कम आ रहा है, तो समझ लो भाई आपके पास कितना पेट्रोल आया। सो इन लोग क्या करते हैं ना कि नोज़ल को मशीन बंद कर देंगे और नोज़ल को ग्रेविटी से पेट्रोल सारा निकाल देंगे उसमें से, और फिर आप जाओगे आप भरवाओगे ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमेशा क्या करो कि चेक करो जब पेट्रोल वो डाल रहा है तो पेट्रोल नोज़ल से निकलना शुरू हो गया या नहीं निकला। तो ये एक तरीका है जैसे कि आप वहाँ से पेट्रोल फ्रॉड से बच सकते हो। और सेकंड क्या करते हैं कि आप जब भी कार में होते हैं, हम लोग जाते हैं तो एसी सबको प्यारा होता है, तो एसी से बाहर निकलने की तो हम लोग ज़रूरत करते ही नहीं है। तो फिर उन लोग क्या करते हैं कि पीछे से ज़ीरो में घपला कर देंगे, या फिर काफ़ी बार तो ऐसा भी मैंने सुना है कि पीछे कैन भर देते हैं और आपके उसमें क्या बोलते हैं टंकी में पेट्रोल डालेंगे भी नहीं, ऐसा भी सीन होता है। देखो भाई मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, मतलब होंगे ऐसे गिने चुने पेट्रोल पंप जिसमें ऐसा सब होता होगा, बट अगर अपनी किस्मत ख़राब हुई और आप लोग उसी पेट्रोल पंप पे पहुंच गए तो भाई अपना तो हो गया लॉस। तो यही लॉस से बचने के लिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा अवेयर कर दूं। अगर आप कभी भी पेट्रोल पंप जाओ तो इन सब चीज़ों की ध्यान रखो, सो दैट कि आप पेट्रोल फ्रॉड से बच सको, क्योंकि बहुत बढ़ गया है पेट्रोल फ्रॉड्स। मतलब लोग क्या करते हैं कि ज़ीरो भी कंफर्म नहीं करवाएंगे और सीधा पेट्रोल भर देंगे, और ये मोस्टली जब ये नोज़ल खाली वाला जो ऑप्शन होता है इन लोग के पास, वो है ना मोस्टली इन लोग करते हैं हाईवेज़ पे। अगर रात के टाइम पे आप सफ़र कर रहे हो तो हाईवेज़ पे ये सब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और जब भी कार में बैठे रहेंगे तो कार में भी तो और भी उनको जैसे कि कोई बाहर नहीं आ रहा है तो भाई कर लो घपले, ज़ीरो कंफर्म करो ना करो, उनको मतलब उनको यही है कि बैठा है अंदर, इसको तो क्या ही पता चलेगा। सो नेवर एवर सिट इन योर कार। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप पेट्रोल भरवाओ कार में तो हमेशा इग्निशन ऑफ कर दीजिए। अगर आपने इग्निशन ऑन रखा तो हैज़ार्ड होने के चांसेस खूब सारे बढ़ जाते हैं, इसलिए इग्निशन कभी ऑन नहीं रखना चाहिए। सो दैट्स इट पेट्रोल फ्रॉड के बारे में। मैंने जो भी मेरे को जानकारी थी मैंने आपको बताई। अगर आपके पास और आपने अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ हो तो कमेंट में मुझे बताइए, शेयर करिए, हम लोगों को मतलब इससे लोग अवेयर होंगे, एक्सपीरियंस बांटने से ही बढ़ेगा और नॉलेज भी उसी से बढ़ती है। सो कमेंट में बताइए आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ है तो, और अगर आपके पास इससे भी अच्छा तरीका है और आप बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। वो जो लाल वाला बटन है उस पर पेट्रोल मारो या चाहे जो मर्ज़ी मारो, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और जैसे कि मैं बोलता हूँ, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड राइड सेफ। बाय बाय।